Hey guys, तो हम निकल चुके हैं आज USMIT के लिए। थोड़ा लेट हो गया आज निकलते निकलते, टाइम हो गया 8:41 और हम 10 AM तक पहुंच जाएंगे USMIT बिना रुके। छोटा बेबी खा रहा है चिप्स क्योंकि वो हंग्री है। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं आपसे USMIT। लोग निकल चुके हैं होटल से, जा रहे हैं हम लोग USMIT और रास्ते में पड़ा है विस्ता पॉइंट। और ये देखिए नज़ारा, तो गाइस ये है लेक, देखिए ये है चाचू डैडा एंड बेबी। गाइस हम एंटर करने वाले जो गेट के पास ही हैं। ओह, उसका साइन बोर्ड भी दिख गया वहाँ पे और उनके एंट्रेंस से यहाँ तक की लाइन लगी होगी 1-2 माइल की आई थिंक। हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं यूसेमिटी नेशनल पार्क में और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी प्यारी छोटी सी नदी बहती हुई। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा पास। देखिए कितना प्यारा छोटा सा रास्ता, मुझे तो अपने पहाड़ों की याद आ गई। हाय डैड, हाय बेबी। भाई साहब यहाँ थोड़ा ध्यान दें क्योंकि नदी है, भालू वगैरह भी हो सकता है। भालू मछली खाने नहीं आ सकता, भालू वगैरह। यहाँ पे कितने भालू थे, ग्रीजली बेयर्स। हाय छोटू, आपको कैसा लग रहा है? अभी जब भी आप ऐसी जगह आए थोड़ा ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह होने का, और क्योंकि नदी है यहाँ पे मछलियाँ होंगी तो भालू होने का डर होता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। कैसा? अरे यार हमने ऐसी काटना है टाइम, अभी हमें यही लगा देते पीछे, थोड़ी सी कम लग रही है पर ये टूब है ना, लगा 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 यार, मगर ये पीछे पीछे करेगा ना। गाइस आपको व्यू दिखाती हूँ अभी, ये देखिए गाइस, और वहाँ देखिए किसी का घर भी है। और इस पूरे रूट पे आपको ऐसे ही सीनिक व्यू दिखते रहेंगे। तो गाइस अब तो हम जा रहे हैं पानी के पास, थोड़ा देख देख के सांप ना हो, ज्यादा आगे मत जाना, बहुत फिसलते हैं पत्थर, बहुत फिसलते हैं। कम बैक गाइस, कम बैक, कम बैक। ही इज लविंग इट।
खुशी दे। चीज़ ने फिर से मुंह में डाल दिया। मतलब मुंह में नहीं, सर में नहीं, गिरा नहीं करो सर। अब डरा होगा थोड़ा पर अब फिर सबको बता दे। गाइज अभी हम जा रहे हैं वॉक करते हुए, देखिए हरा भरा रास्ता। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं योसेमिटी फॉल, और अभी तक तो मैंने आपको दूर से दिखाया फॉल, अब हम उसके पास जा रहे हैं। थोड़ा सा हाइक है, थोड़ा सा हाइक करते हुए, और हमारे साथ छोटा बेबी वो सो रहा है। करते करते पहुंच चुके हैं हाफ वे तक। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं योसेमिटी। पसंदीदा रास्ता है और पूरा वाटरफॉल। तो गाइस हम लोग यहां तक हाइक करके आ गए हैं और अभी हम यहां पे फंस गए हैं। पीछे जाने का रास्ता है ना, आगे जाने का रास्ता है। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिरर लेक, और ये है मिरर लेक का ट्रेल।
ये है 2.1 माइल्स का और अभी बाकी है 1.6 माइल्स। और आलू बिल्कुल भी स्ट्रोलर में नहीं बैठ रहा है तो उसे उठा के ले जाना पड़ रहा है जो कि बहुत टफ हो गया है। और ये देखिए रास्ते में छोटी सी प्यारी सी नदी, ये हाफ डोम का बैक साइड, हाफ साइड उधर है हाफ साइड इधर। गाइस तो मेजर रेक के ट्रेल में हमने 1.6 माइल्स कवर कर लिया है और अब 1 माइल बाकी है। गाइस बहुत गाइस आलू को घसीटते पसीटते और हम दोनों घसीटते पसीटते मेरर लेक तक पहुंच ही गए हैं। और ये देखिए इस बार पानी है गाइस, तो अब आपको मेरर लेक के नज़ारे दिखाएंगे हम। और यहाँ पे कार अलाउड नहीं है बस परमिट के साथ, तो मे बी ये यहाँ के ही अथॉरिटीज़ की गाड़ी होगी इसलिए यहाँ पर आई। तो गाइस वैसे तो 2.1 माइल कुछ ज़्यादा नहीं होता है बट मोटू को उठा के लाने में तो हो गया पैर पहुँच जाता भाई। और ये देखिए गाइस छोटे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको मिरर लेक। गाइस देखिए मिरर लेक को मिरर लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर हाफ डोम का रिफ्लेक्शन नीचे पड़ता है, आप देख सकते हैं ये हाफ डोम का रिफ्लेक्शन। आलू चाचू भी पहुंच चुके हैं, बट तू अभी पहुंचा, आधा घंटा हो गया ना, हम लोगों को आए हुए सिर्फ 1 मिनट, हम भी अभी पहुंचे। कभी थकान हो पानी में पैर डाल लो तो आहा कितना रिलैक्स होता है ये तो सबको पता है। गाइस वैसे ये इंसान आज तक जमीन में तो चला नहीं, लगता पहली बार पानी में चलेगा ये छोटा सा जीव। आमी ओए हो गया, डायपर गीला हो गया, बैठना होगा फिर सब। हमारा छोटा सा स्विमर आ चुका है।